फोन जान जा रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर आ चुका है, हमने देखा है, हम सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं ट्रेलर, लोगों को बहुत ही पसंद भी आ रहा है। सो तो कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस शूटिंग का, एंड आपने थोड़ा बताया कि कुछ फाइट भी हुई है, वो सब सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कुछ भी फाइट इससे पकड़ लेते हो ना, कोई फाइट नहीं हुई थी, झूठ बोल रहे हैं हम। ओके चलिए, सो स्टार्ट संजय जी, आपसे स्टार्ट करें। देखिए दो तजुर्बा अच्छा रहा बहुत, शो काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसा शो बना नहीं है। कुछ आजकल के माहौल में आपके आपकी ज़िंदगी इतनी अपने काम में इतने आप मसरूफ़ रहते हैं, या आपकी एस्पिरेशंस सबकी होती हैं, ये करना है, अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना है, उस दौर में पेरेंटहुड, मदरहुड, फादरहुड के बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो मेंटलहुड कहलाते हैं, कि जहां आपकी फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। तो हो सकता है गुस्सा बच्चों पर उतरे, रिलेशनशिप्स में बीवी पर, पत्नी पर, पेरेंट्स पर, लेकिन हस्बैंड पर, लेकिन उससे ज़्यादा ये कुछ मदर्स का शो है अपने बच्चों को लेकर, आपस में उनके उनका जो कंपटीशन है वगैरह वो सब ये बताएंगे। बट मेरा जो किरदार है एक सपोर्टिव हस्बैंड है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि जो एस्पिरेशंस हैं हमारी फैमिली की बच्चों को लेकर, उन एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए, वो जो जहाँ आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, जैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर उस तरीके का काम करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, तो वक्त नहीं रहेगा फैमिली के लिए, तो कहीं ना कहीं नुकसान कहीं ना कहीं हो ही जाता है आपके रिश्तों पर, आपके बच्चों के साथ कितना वक्त बिता पाते हैं, उन चीज़ों पर। ये बहुत ही अच्छी बात है, संजय जी आपसे जानना चाहेंगे आपका थोड़ा सा कैरेक्टर इस सीरीज में कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी फन एक्सपीरियंस था, हालांकि मदर नहीं हूँ मैं, लेकिन आसपास काफ़ी इंस्पिरेशन है, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मदर्स हैं, और उनके पागलपन और उनकी हेक्टिक लाइफ को मैंने देखा है, और अलग अलग टाइप की मदर्स देखी हैं, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं अपने बच्चों से, कुछ जो अपने बच्चों की तरह इंडिफरेंट होती हैं। तो ये शो उसी बारे में है कि अलग अलग टाइप की मदर्स हैं, और मेरा किरदार तो है ऐसा कि वो अपने बच्चों से ऑब्सेस्ड है, उनको जीतना है, मतलब सांस लेने में भी जीतना है, वो किसी चीज़ में नंबर 2 नहीं आ सकते। तो वो ये ऐसी मदर है, और इसीलिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और मतलब वो चाहती है कि उसके बच्चे करेले जूस पिए, ब्रेन शार्प करें, मतलब ये वो औरत है, मतलब जीना मुश्किल कर दिया उसने अपने बच्चों का। और उस वो जिस टाइप का उसका नेचर है, वो या तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनेगी और आपके लिए कुछ भी करेगी, या आपकी दुश्मन है, और अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो आपको पसंद नहीं करती, तो आपका जीना मुश्किल कर देगी। तो इस टाइप की वो न्यूरोटिक और क्रेजी इरेटिक लड़की है, और क्यों है ये बाद में ही पता चलता है, क्यों है वो, कैसी है और क्या है, और उसके पति के साथ उसका कैसा रिश्ता है, और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो तो शो ही बताएगा। और ये मेरी दुश्मन है उसमें, हाँ, सिर्फ इसको, ये मेरी दोस्त भी है और दुश्मन भी है, तो हमारे काफ़ी हमारे झगड़े होते हैं ऑन स्क्रीन। तो शिल्पा जी चलिए झगड़ों से ही बात करेंगे, ऑन स्क्रीन के की कुछ फाइटें जरा बताइए, जैसा कि उन्होंने बताया आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं, ऑन स्क्रीन फाइट्स बिल्कुल गलत इंसान से पूछ रहे हैं हम, मुझे नहीं लगता हमने कोई ऐसा रेडिकल फाइटिंग कभी भी हुई, मतलब बहसबाजी चलती रहती है, आई गेस डिस्कशन डिबेट, कभी-कभी आप मतलब... कभी-कभी आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको पता है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है वैसे, वही है इनका रिश्ता, हां सार्केज्म का, हम एक दूसरे की बेइज्जती काफी करते हैं, क्योंकि हम काफी एज कैरेक्टर्स वी आर ऑपोजिट एज कैरेक्टर्स, या मैं बच्चों में, और मैं करियर छोड़ के बच्चे संभालने में बिलीव करती हूँ, ये बच्चे छोड़ के करियर संभालने में बिलीव, वो उसे ऐसा लग रहा है, अभी देखो ये ऐसा लगता है इसको अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, ये जो ऐसा सोच कर, लेकिन मैं इजाजत चाहता हूँ, बता नहीं एग्जैक्टली, तो यही हमारी बहस है कि तुम्हारे लिए तो अपने बच्चों के लिए टाइम, सो बेसिकली वर्किंग मदर है, जो कि 21st सेंचुरी वुमन कैन रियली रिलेट टू इट, आई थिंक अब हम सभी औरतें जो हैं वो मर्द के भी काम कर रही हैं, औरतों के भी काम कर रही हैं, तो वो कहीं पे जेंडर तो जो है वो एक बस कहने की बात हो गई, काम सारे सभी कर रहे हैं, यू सी,
और ऑब्वियसली मदर है, दिल से है. You are getting into the character. Yeah man, like I gotta defend her, right? सही बंदी है, बढ़िया है एकदम. देखो मैं एक सलाह देता हूँ, जिंदगी की सलाह देता हूँ. हाँ. जो भी आप किरदार निभा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम जब एक्टिंग करते हैं नौकरी करते हैं, अभिनय कर रहे हैं इसका, तो आपको जो पर्सनल आप जो शख्स हैं, इंसान हैं, जो भी हैं, उसको अपने आपको अपने किरदार से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं. बिल्कुल भी नहीं. किरदार अलग है, आप अलग हैं. तो मतलब मैं तो एक्चुअली शिल्पा के किरदार में बिलीव, मतलब अगर मैं एज एन इंडिविजुअल संध्या वुड रिलेट विद शिल्पा, विद नम्रता, यू नो, विद नम्रता, यू नो, बट आई मीन एज संध्या आई डोंट रिलेट विद एजो, बट आई प्ले एजो, सो यू नो बहुत फर्क है जो हम करते हैं और जो हम, मतलब इसका किरदार जो है वो मैंने एंग्री इंडियन गॉडेसेस में प्ले किया था, यू नो, कि एक माँ जिसको अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है. सो इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन हम ऑपोजिट एंड्स पे हैं, तो इसी पे हमारी बहस होती है. वो कहती है तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुमने अपने लिए, तुम्हारा वजूद है कोई, तुमने कुछ किया है अपने लिए लाइफ में, और मैं कहती हूँ बच्चे संभालती हूँ मैं, तुमने कोई बच्चे संभाले अपने? तो ये हमारी वैसे ऐसा बैटल है. और ये भी कि कोई एट द एंड ऑफ द डे विलन नहीं होता. हाँ. जो भी जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही दिमाग में और दिल को सही जगह पे रखते हुए कर रहा है. सो बेसिकली ब्यूटी मेंटलहुड की यही है कि हम ये नहीं बताना चाह रहे कि कोई काला है या कोई बिल्कुल सफेद है, कोई सही है, कोई गलत है, सब अलग टाइप की हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है. ये स्टेटमेंट नहीं है हमारा. हमारा ये स्टेटमेंट है कि हर टाइप की माँ होती है और हम वो दिखा रहे हैं, वो रेंज. और हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, वो अपने हिसाब से. हाँ. चाहे वो ऑब्सेस्ड हो और एक्सट्रीम पे जाए, वो भी अच्छा ही चाहती है, बट उसके लिए वो अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है. तो इट्स बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ मदर्स. और लाइट, मतलब लाइट लेवल पे रखा है हमने शो. ट्रेलर से भी आपको पता चल रहा है हम इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं. ये नहीं कि हम बस बकवास कर रहे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज ला रहे हैं इस शो में, लेकिन बहुत मजाक और लाइट स्लाइस ऑफ लाइफ वे से हम कह रहे हैं ये बातें कि लोग हंसे भी और समझे भी. क्योंकि मदरहुड इन एनी केस इतना सीरियस वाला मामला हो गया है आजकल इस समय में. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल. और ये भी कि हम इन सब मुद्दों के बारे में हंस सके. आई थिंक जब हम खुद ह्यूमर को ला सके और उन सिचुएशंस पे हंस सके, वहाँ पे कहीं पे ग्रोथ होती है. तो आई थिंक वो मेंटलहुड की वो कोशिश है. और हम हंसते रहे इस शूट के दौरान भी, क्योंकि यू नो वी हैव ऑल रीजनेबली गुड केमिस्ट्रीज. कुछ एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कुछ पहली बार काम कर रहे हैं लेकिन जानते हैं एक दूसरे को. तो मतलब हंसी मजाक में निकल गया. हमारी डायरेक्टर भी थोड़ी हमारी जैसी ही थी, मस्त. तो थोड़ी पागल सी, थोड़ी मस्त, काफ़ी इंटेलिजेंट. तो उसके साथ भी बहुत मज़ा आया. शी वॉज रियली वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद. तो यू नो इट वॉज वेरी ईजी टू डू दिस शो. एंड सर, यू नो करिश्मा कपूर जी भी हैं, इनका नाम उनके हस्बैंड में, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद करिश्मा कपूर एंड करिश्मा कपूर की अगर बात करें, अगर उनके किरदार की दोनों की मैं बात करता हूँ, तो उनकी करिश्मा कपूर की बात करें, क्योंकि वो खुद एक माँ है और मैं भी दो लड़कों का पिता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें वो नेचुरली बच्चों को कैसे हैंडल करना है वगैरह, वो एक इनहेरेंटली आ जाता है आपको. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट बने, लेकिन एक कुछ एक नेचुरली ऑर्गेनिक वे में चीज़ें आ जाती हैं. उसको साइड पे रख के अगर किरदार की बात करें, तो हमारी दोस्ती है काफ़ी रिश्ते में. उनके साथ काम करना आसान रहा, क्योंकि वो समझती हैं एज अ मदर, लेकिन कैरेक्टर किरदार की जो है एस्पिरेशंस है बहुत हैं अपने बच्चों को लेकर. उसको ये जो उनका हस्बैंड है सपोर्ट भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक भी जाता है हाथ बटाने में. और कहीं ना कहीं वो आदमी की फितरत होती है ना, कि भाई ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है. तो वो भी वो किरदार की वो फितरत भी आती है. तो उसमें वैसे मैं हैंड्स ऑन डैड हूँ, उसकी बात में संभालता है ये. मैंने देखा पार्क में भी देखा बच्चों के साथ. तो एग्जैक्टली. सो बट किरदार की हैसियत पे कहीं ना कहीं रिश्ते पे भी कुछ क्रैक्स आते हैं. हर रिश्ते में ऐसे होता है. आपकी कुछ सोच है, आपकी पत्नी आपके पति की कुछ सोच है, और फिर प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, और जो स्कूल के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं. तो ऐसे बहुत रिलेटेबल कहानी है, बहुत रिलेटेबल रिलेशनशिप्स हैं. काम करना उनके साथ, देखिए उनकी फिल्मों, एक हमें फिल्म करनी थी इकट्ठे, वो बनी नहीं. उनकी बहन के साथ मैंने एक हीरोइन में काम किया था थोड़ा, करीना के साथ. बट
करिश्मा के साथ पहली बार, बट बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही प्रोफेशनल, वक्त पे सब कुछ वगैरह. सो वो एक एक और एक वो जो शौक है काम करने का, लेजीनेस नहीं, यू नो, कहीं ना कहीं चलो वो अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेती हैं. और मैंने सुना था पहले भी बहुत सीरियसली प्रोफेशनल एक्टर है. एंड जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बताया, बाकी जूही रवीना तब्बू वगैरह उस इसलिए इन्होंने मुझे बीच में बिठाया कि सीनियर बोल के. इनके साथ का ये भी मेरी पत्नी प्ले कर चुकी है, बड़ी प्यारी फिल्म थी, से सलाम इंडिया. सुभाष कपूर जी ने बाद में जॉली LLB वगैरह बनाई, बल्कि उनकी शुरुआत हमने की थी. और मैं एक बात कह दूं, मुझे इनकी फिल्म बहुत पसंद है, लेकिन वो फिल्म थोड़ी पहले आई थी, लेकिन कमबख्त इंडिया उस साल क्रिकेट में सुपर 8 में भी नहीं आया, और हमारी फिल्म पूरी क्रिकेट पे थी, से सलाम इंडिया. और शिल्पा जी की किस्मत या शाहरुख खान साहब की किस्मत, वो हॉकी में उस साल, एंड ये फिल्म बहुत बेहतरीन थी, मेरे बच्चे अभी भी देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ चक दे इंडिया. आई लव दैट, सो लव दैट जी. सो एक्चुअली जब शो पे हुआ मैंने कहा वेरी नाइस, यू नो, उसके बाद मैंने इनको ज़्यादा देखा नहीं, मैंने कहा कि इट्स नाइस, वेरी वेरी गुड चॉइस कि शिल्पा ये किरदार निभा रही हैं. सो ये मेरी पत्नी बन चुकी हैं हमारा, और दिल्ली से जानते भी एक दूसरे को, बचपन से जानते हैं, माहौल अच्छा था. डीनो है सीरीज में, डीनो और मैंने पहली फिल्म इकट्ठे की है प्यार में कभी कभी. सो शिल्पा जी, ऐसे जब आपको ऐसे लाइक कमेंट मिलते हैं, लाइक कि आपकी चंदे इंडिया की अगर हम बात करें, लोग अभी भी लोग देखते हैं तो काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, ऐसे एक्टर क्या फील करती हैं आप? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ फिल्में कमाल करती हैं क्योंकि उनमें सभी एक एक ही लेवल पे होते हैं, सभी एक ही तरीके से एक ही मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई एक अकेला नहीं होता है जिसकी वजह से वो होता है. जैसे मेंटल हुड में भी यही प्रोसेस रहा है, कि इसमें भी यही प्रोसेस है कि सब अपने आप को भूल के उस प्रोजेक्ट के लिए हैं वहाँ पे. सो आई थिंक जब हम इस तरीके से मन लगा के काम करते हैं तो वो चीज़ आगे तक जाती है, और अच्छा लगता है क्योंकि ये अभी तक इंस्पायर कर रहा है लोगों को. एंड आई रियली होप कि मेंटल हुड भी, यू नो, एक इंस्पिरेशन के तौर पर आने वाले टाइम में लोग देखें. you know. एक स्पोर्ट्स से ही, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बातें हुई, हमारी इंडियन वुमेन टीम जो है बहुत ही अच्छा कर रही है फाइनल तक पहुंचा चुकी है, तो आप लोग अपने अंदाज में ऐसे कुछ हमारी इंडियन वुमेन टीम को विश कर सकते हैं, अगर कुछ एक मैसेज संजय जी इनसे कह रहे हैं? हॉकी तो वर्ल्ड कप तो यही लाई है, बट वुमेन्स टीम, देखिए स्पोर्ट्स में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट का, कंपनीज़ का, क्योंकि देखिए ये जो क्रिकेट भी इतना बड़ा हुआ है, जब इसमें टेलीवाइज इवेंट बना, स्पॉन्सरशिप्स आई वगैरह वगैरह, तो विमेन स्पोर्ट्स ले लीजिए आप, वेदर बैडमिंटन ले लीजिए, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, विमेन हैव डन वेरी वेल एक्चुअली. उनका अगर आप रेशियो देखें और कितने पार्टिसिपेट करते हैं, और अब मैदानों में देखें सब लड़के खेल रहे हैं, हाँ, फिर जाके 11 सिलेक्ट होते हैं इतनी चॉइस के बाद. लड़कियों में उतनी चॉइस नहीं है, लेकिन तब भी वो उस लेवल पर पहुंचती हैं. तो अगर आप परसेंटेज रेशियो देखेंगे, इनका स्ट्राइक रेट बेटर है. इनफैक्ट मेरे जो पति प्ले कर रहे हैं वो प्रोफेशनल पोलो प्लेयर हैं, तो वो अपनी बेटी को ट्रेन किया है उन्होंने, तो उन्होंने इंडिया की सबसे पहली फीमेल पोलो टीम बनाई है जिसका नाम पिंक बेरे रखा है. तो इस बार मैं उनसे मिली थी, और इट इज़ सो नाइस दैट दे आर एक्चुअली फाइनली स्टार्टिंग अ फुल फीमेल पोलो टीम, जो कभी नहीं हुआ है. तो वुमेन आर, यू नो, काइंड ऑफ गोइंग एवरीवेयर, और मैं यही कहूँगी शिल्पा के फिल्म के अंदाज में, चक दे चक दे बिल्कुल जी. और हम हमारी फिल्म मेटल हुड की सीरीज की बात करें, वहाँ पे भी ज़्यादा ऐसे वुमेन ही मुझे दिखाई दे रही है, सो आई थिंक ये भी बहुत ही अच्छे चक दे करेगी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगी, इतनी हम सब ने मेहनत की है, और यू नो, इतने प्यार से, और इतनी फैंटास्टिक लाइनअप है कास्ट का, तो हम सब ने अपना बेहतरीन किया है ना, आगे ऑडियंस जो है वो आई एम श्योर इसे पसंद करेगी. ठीक है, मैं वही बड़ी बार सवाल आता है, इतनी मुझे अभी पूछा था किसी ने कि इतनी सारी औरतें हैं तो आपको कभी इनसिक्योरिटी नहीं होती वगैरह, तो मैंने कहा जब आप एक मर्द की तरह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आप क्या बोलते हैं, मदर नेचर, फादर नेचर कभी नहीं बोलते, आप तो गेस्ट अपेयरेंस हैं वैसे ही जिंदगी में, तो आप मदर नेचर, और उसके बिना वो
वो मदरहुड के बिना एक कायनात ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो ये एक किरदार या एक अभिनय क्या चीज़ है? और मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि एक शो बन रहा है जो माँओं को सलाम कर रहा है. वक्त आ गया है कि हम सलाम करें, हर मिनट सलाम करें, यू नो, पर्सनली आउट देयर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड एक ऐसा वक्त भी चल रहा है इस देश में कि बहुत ज़रूरी है कि हम औरतों को इज्जत और अहमियत दें. एक मैंने मेरी फिल्म थी, मैं फिर से दोहराऊंगा, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बोला था कि मेरी एक फिल्म झनकार बीट, उसमें एक डायलॉग है, आपको पता मेरे बाप का नाम क्या है. तो मैं राइटर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्चुअली शो के बाद बोलेंगे आपको पता मेरी माँ का नाम क्या है. तो ये जब आना शुरू हो जाएगा एक फीलिंग, तो फिर आई थिंक एक कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत फर्क पड़ता है. तो कैसे देखते हैं हम भी एक उसमें, इस फाउंडेशन में एक पत्थर रहे. चलिए जल्दी, जिस स्ट्रीमिंग होने वाली है ये मेटलहुड, सो कुछ ऐसे फाइनल मैसेज जो अपने ऑडियंस को दिए. ट्रेलर बहुत ही पसंद आया है, ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं कि हमें बहुत ही इंतज़ार है, खास करके स्पेशली मदर्स को. सो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल 11 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है. आप सभी की कहानियाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे. आप जो हैं, हम सभी किरदार जो हैं, वो हम आप ही की दुनिया पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा. मेंटलहुड देखिए, पेरेंटहुड, मदरहुड, फादरहुड के बीच में मेंटलहुड है. आपको मज़ा बहुत आएगा देखने का, हमारी गलतियों पर हंसने का मज़ा आएगा और कहीं ना कहीं कुछ सीखने को भी मिलेगा. हम आ रहे हैं 11 मार्च को, मेंटलहुड जरूर देखना. हर माँ को सलाम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.